आईपीएल 2022 दो परिवारों के लिए बड़ी खुशियां लेकर आया है। दो भाइयों की जोड़ी ने मिलकर 42.5 करोड़ कमा लिए हैं। चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर दीपक चाहर को 14 करोड़ में अपनी टीम से जोड़ा। वहीं इसके भाई राहुल चाहर को पंजाब किंग्स ने 5.25 करोड़ में खरीदा। चाहर ब्रदर्स को चेन्नई और पंजाब की फ्रेंचाइजी 19.25 करोड़ रुपए देगी। वहीं हार्दिक पांड्या के भाई कृणाल पांड्या को लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 8.25 करोड़ रुपए में खरीदा। हार्दिक पांड्या को पहले ही अहमदाबाद की टीम ने 15 करोड़ रुपए में अपनी टीम का कप्तान बना चुकी है। हार्दिक और कृणाल पिछले कुछ सालों से भारतीय क्रिकेट के साथ आईपीएल में भी खूब नाम कमा रहे हैं, लेकिन अगर उनके बीते दिनों की बात करें तो उन्होंने अपनी जिंदगी में काफ़ी बुरा वक्त भी देखा है। हार्दिक के पिता फाइनेंसिंग का काम करते थे, लेकिन इससे ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। 2010 में उन्हें हार्ट अटैक आया। खराब होती सेहत के कारण वे नौकरी नहीं कर पाए, इस वजह से घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। पिता की तबीयत खराब हुई तो हार्दिक और कृणाल 400-500 रुपए कमाने के लिए पास के गांव में क्रिकेट खेलने जाते थे। इतना ही नहीं, हार्दिक कृणाल ने वो दिन भी देखे जब उन्हें अच्छा खाना भी नसीब नहीं होता था। हार्दिक ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उस बुरे वक्त में वो केवल मैगी खाते थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। आईपीएल में आपका फेवरेट कौन है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।